अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं फीड प्रोग्राम के ऊपर, और मतलब हमारे टर्म्स एंड कंडीशन है, और हम लोग जो पलाई के रेट्स है तो वो 2024 और 25 के लिए क्या डिसाइड हुए हैं और क्यों डिसाइड हुए हैं उसके लिए उसके ताल्लुक से बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, जो भी हमारे कस्टमर्स है या नहीं है वो भी वीडियो एंड तक देखे, ताकि इन फ्यूचर आपका ख्याल आए कि आरके गोट फार्म पे बकरे रखे। तो ये सब देखने के बाद में आप लोग एक टाइम पे आके विजिट करो हमारे फार्म पे, देखो क्या वाकई में ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बाद में आप बकरे लाके छोड़ दो। हमारे पलाई के रेट्स की बात करूंगा भाई, पहली बात तो मैं बात करूंगा रेट्स की, बात करूंगा अंडू बकरों की। हमारी जो पलाई होगी 2024 और 25 के लिए 3,700, खस्सी की होगी 3,200। अब इसमें ऐसा है कि कुछ बकरे होते हैं जो खस्सी होने के बावजूद केज में रहते हैं, जो ये साल हम लोगों ने देखे। अब जो भी बकरा केज में जाएगा उसकी पलाई होगी 3,700, चाहे वो अंडू हो या खस्सी हो। और जो भी बकरा ओपन में रहेगा, अंडू हो या खस्सी हो, उसकी पलाई होगी 3,200। आगे के टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे है कि हम लोग पहले भी और अभी भी देखो, लास्ट में आपके बकरे बीमार होने के बाद में खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो अल्लाह की मर्जी बोलने से अच्छा है हम लोग स्टार्टिंग में बोलेंगे कि हम लोग कोई चीज़ की वारंटी गारंटी नहीं लेते, वजन की, वेट की, लिविंग एंड डेथ की, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में बोलते हैं कि तवक्कल अल्लाह, और अल्लाह हर चीज़ शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, वेट बढ़ाने वाली ज़ात अल्लाह की है, हम लोग सिर्फ मेहनत करने वाले लोग हैं। एंड में अगर मैं अगर कोई चीज़ की अभी बोल दूंगा कि आप बकरे ला के दे दो, आपके बकरे देख लेंगे, हाँ ये बकरा ये पोजीशन तक पहुंच जाएगा, खुदा ना खास्ता बीच में कुछ हो जाता है, तो फिर मैं बाद में अगर बोल दूं कि भाई ये अल्लाह की मर्जी थी, तो स्टार्टिंग में हम लोग बोल रहे हैं कि अल्लाह की मर्जी के हिसाब से ही चलता है, पूरी दुनिया अल्लाह की मर्जी से चलती है, तो फिर हम लोग ये स्टार्टिंग में क्यों नहीं बोले? तो हम लोग इसलिए स्टार्टिंग में बोलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो जो मेरे कस्टमर्स है, जिन जिन लोगों ने हमारे यहाँ पर बकरे रखे है, उनको पता है कि हमारा काम कैसा चलता है कैसा नहीं चलता है। अब पलाई के रेट्स क्यों बढ़े हैं, किस लिए बढ़े हैं, तो ऑलमोस्ट ऐसा है कि हर चीज़ बढ़ गई है, हरी पत्ती का रेट बढ़ गया है, और हमारे जो दाने आते हैं वो एपीएमसी मार्केट जो वाशी है, जो ह्यूमन के दाने होते, इंसान जो खाते हैं ना, मकई घेऊ, हम लोग राशन की दुकान से नहीं मंगाते, बराबर। तो मकई घेऊ है, चना है, टोटल 10 आइटम हमारे खुद की फीड बनती है जो पीछे बन रही है, टीएमआर बनता है हमारा, पूरा टीएमआर बनता है, 10 आइटम मिक्स होते हैं, दो टाइम बनता है, और हम लोग उसको देते हैं। तो इसीलिए मेन चीज बढ़ाने का क्या, गए साल भी चला ये साल भी चला, तो बोले गए साल का रेट क्यों नहीं, ये भी क्वेश्चन आएंगे, तो उसका आंसर यही है, बढ़ गई है, इन्फ्लेशन हाई हुआ है, सब चीज बढ़ गई है, और हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट के 4 महीने में हम लोगों को जो दिक्कत हुई है रेट बढ़ने के बाद में, तो इसलिए हम लोगों को बढ़ाना पड़ा। तो भी ये नॉमिनली है, मैं सिर्फ 200-200 रुपए ही बढ़ाया है। पहले हम लोगों ने सर्वे किए हमारे कस्टमर्स के साथ में, मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पे रख के सर्वे किए, तो मैक्सिमम कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर 3,900 पे भी एग्री हुए है, और खस्सी के 3,500 पे भी एग्री हो गए, लेकिन हम लोगों को बजट वाइज जो चलते हैं तो उनका सबका ओवरऑल देखना पड़ा, तो सब डिसाइड हुए कस्टमर्स मैक्सिमम वो डिसाइड किया 3,700 पे, 90% के करीब बोले 3,000 आप 700 कर दो तो भाई ठीक रहेगा, और खस्सी का 200-200 बढ़ा दो, जो ओपन का है 3,200 है, केज का रहेगा 3,700 है, तो हम लोगों ने वो डिसीजन लिया। हम लोग हमेशा की तरह इस साल भी एक्स्ट्रा उस पर जो भी खर्चा होएगा वो नहीं लेंगे, कभी बकरा बीमार पड़े या उसे लाख रुपए की भी दवा देने की जरूरत पड़ जाए, जो कि होता नहीं है, लेकिन अगर पड़ जाए तो वो हमारी जेब से वो है, और कोई भी मतलब ऐसा है कि वैक्सीनेशन कोई भी चार्जेस नहीं है, ना आपका 1,000 रुपया कोई डिपॉजिट रहेगा या वैक्सीनेशन का, कुछ भी नहीं है। और एक एक चीज है, बहुत सारी लोग वेट की हमारी वीडियो है ना बराबर जाती है, हर महीने जाती है 1 से लेकर 10 के बीच में, लेकिन जून जुलाई अगस्त सितंबर ये 4 महीने हम लोग वेट की वीडियो नहीं देंगे, क्योंकि ये क्लाइमेट ऐसा रहता है इसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, ये बारिश भी होती है यहाँ पे काफी, बकरे को निकालना फिर रुक, और बकरे को निकाल दिया और पानी इनका कीचड़ जो बारिश होती है इनका दुश्मन हो जाता है, तो हमारे यहाँ पर ना कॉन्क्रीट वाला मामला नहीं है, लोगों के चलने के लिए कॉन्क्रीट है, क्योंकि बाकी के 8 महीने हम लोगों को देखना पड़ता है, और बाकी के 8 महीने में ये जमीन अच्छी रहती है, मट्टी वाली जमीन इनके लिए फायदेमंद है, जो गर्मी में भी है ना राहत देती है, अगर मैं पूरा कंक्रीट कर लूं तो बाकी के 8 महीने मतलब पूरे साल के 12-4 महीने जो बारिश के वो सेफ जाएंगे,
और 8 महीने हमारे तकलीफ में जाएंगे, तो इसलिए हम वो नहीं करते ये 4 महीने के हम लोग वेट की वीडियो नहीं देंगे। अगर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो 3 महीने के अंदर या जो भी आपको लगे तो आप बकरा आपका लेके जा सकते हो, उसके कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, वेट गेनिंग नहीं हो रहा है, अगर आपका मतलब क्या है कि बकरे की वो ग्रोथ नहीं मिल रही है आपको, तो आप आपका बकरा लेके जा सकते हो, हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक एक मेन थिंग, ट्रेडर्स के बकरे मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड स्पेस है, बहुत सारे कुर्बानी करने वाले लोग हैं जो हमारे यहाँ पर रखना चाहते हैं, उनको जगह नहीं मिलती है। एक दो जो लोग है हमारे पास, अब मैं हमेशा बोलता हूँ, दो लोग हमेशा वीडियोस में आते बकरे बेचते हुए दिखते हैं, तो वो ऐसा है कि उनको प्रॉफिट और लॉस से कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने बकरे ना ले जाके खुद बेच देते हैं, तो वो हेडेक पहली बात तो हमारे पर नहीं, शौक पूरा करते हैं। पहली बात तो देखो, ट्रेडर्स के बकरे रखना मीन्स बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड है, बकरे निकालना, घड़ी घड़ी डालना, और जगह की, पहले हमारे पास जगह की दिक्कत जो हो रही है, उतनी मेहनत ना कर भी लेंगे ट्रेडर्स के बकरों के लिए, मगर उसके बावजूद फिर उनको नुकसान होता है ना, तो फिर उनके ये जवाब सुनने पड़ते हैं कि भाई मेरे को नुकसान हो गया 2021 में, इतनी तकलीफ देती है ना, इस वजह से मैंने भी है ना दूसरी जगह पे बकरे रख के बेचा हूं, बराबर, मैंने कभी प्रॉफिट में नहीं आया, मतलब साल भर पलाई पे बकरा रखने के बाद में आपको अगर आपके 10 बकरे ना तो 2 बकरे में प्रॉफिट मिल जाएगा, 8 में नुकसान है, तो वो नुकसान वाला काम करेगी और उसमें शरीक की हो जाए, नहीं नहीं फिर वो बाद में अपने को अपना दिल दुखता, अपना दिल दुखता है। ये अभी भी जो दो जो सारे फार्म है जिन पे ये ऑप्शन है वो ट्रेडर्स के बकरे रखते हैं और अच्छे रेट में बेच के देते हैं, हमारे पास नहीं है, अपन बेच भी नहीं पाते, पूरा ध्यान पलाई पे, जो कुर्बानी करने वाले जो लोग है पूरा तवज्जो उसके ऊपर है, और हमारा ध्यान जो है वो मैक्सिमम क्या है, क्या बकरे आए उसको सेट कैसा करे, उसके अंदर क्या बीमारी है, क्या इन्फेक्शन है, पूरा ध्यान है। 15 दिन क्वारंटाइन में रहता, उतना ही दिन चले जाता, हमारे पास तो वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं रहता, ये तो एंड में बन रही है थोड़ी बहुत, इसके बाद में क्या पता बाद में कब आना चालू होगी वीडियो, तो हम लोगों का मेन तवज्जो ऐसा है कि हकीकत बताना और ट्रेडिंग करना भी रहेगा ना, तो भले हम लोग 10 बकरे खुद के लाएंगे और बेचेंगे, क्योंकि उसमें नफा होएगा तो भी खुद को जवाब देना और नुकसान होएगा तो भी खुद को जवाब देना, क्योंकि अपन ने 2021 में देखे हुए भाई ट्रेडर्स के बकरे थे, नहीं है नुकसान हो गया, पलाई में डिस्काउंट करो भाई, मेरा तो उतना है ही नहीं, पलाई में चार्जेस का उतना मार्जिन ही नहीं है, अब इसके अंदर साल भर पालो, तुम्हारा नुकसान हो गया, फिर मेरा दिल दुखे, तुम्हारा दिल दुखे, तो वो चीज है। अब सवाल ये भी आएगा लोगों का कि ये दो जन जो है इनको भी हर चीज क्लियर बताया हूं, अब वो उनको नुकसान करना है तो वो उनकी मर्जी है। मैंने आज भी उनसे बात किया था क्या भाई मत रखो ट्रेडिंग के बकरे, मत करो भाई नुकसान वाला काम है, बोले भाई शौक है, शौक पूरा शायद है, अच्छा खासा अल्लाह ताला ने नवाजा है उनके पास, तो हो सकता है, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास लोग इसके अंदर बकरे साल भर पलाई पे रख के प्रॉफिट नहीं कमा सकते, ये एक है ना मतलब सोशल मीडिया पे जो ज्यादा दिखता है ना, ये इतने में बिका, इतने में बिका, इतने में बिका, मेरे हिसाब से बकरा जो रेट शो होता है ना उतने में बकरा बिकता नहीं है, उससे आधे रेट में बिकता है बकरा, और मीडिया पे बहुत ज्यादा शो हो जाता है, उसके वजह से जंगल में भी रेट बढ़े हैं। मैंने आज तक मेरे कोई भी बकरे का रेट जितने भी मैंने बेचा, मैंने कभी भी सोशल मीडिया पे उनका रेट ओपनली बोला ही नहीं, तो फिर ये काम करने का क्यों भाई, सस्ते में बेचने का, बताने का महंगे में, और घर वाले लोगों को खुश करने का और खुद नुकसान में जाने का, मिडिल क्लास लोगों का काम नहीं है ट्रेडिंग का। आप देखो साल में अगर 2 लाख रुपए का आप नुकसान कर रहे हो तो आप साल में 2 लाख रुपए की कुर्बानी करो, ये मेरा सजेशन है बस। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है, हमारा टर्म्स एंड कंडीशन की वीडियो एंड तक है पूरी क्लैरिटी में, ताकि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई वो एटीट्यूड आ गया, वो घमंड आ गया, इसलिए ट्रेडर्स के बकरे नहीं ले रहे, लिविंग एंड डेथ की वारंटी गारंटी क्यों नहीं ले रहे, तो वो हर चीज क्लियर हम लोगों ने बताए। तो जजाक अल्लाह खैर, आपने वीडियो एंड तक देखे, आप जो जो वीडियो एंड तक देख रहे हैं जजाक अल्लाह खैर, अल्लाह सबको खुश रखे, अल्लाह सबकी कुर्बानी ये साल की 2024 की कुर्बानी कबूल करे, और हम सबको अच्छा रखे, और हर फार्म वाले के फार्म फुल हो जाए और उनके फार्म पे हर बकरे गेन होके निकले। तो बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं, अपने अम्मी अब्बा का फर्मा पदा बनो, ज्यादा से ज्यादा झाड़ लगाओ, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, पॉल्यूशन फ्री इंडिया, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।